हेलो गाइज, मैं हूं स्वागत और गाइज ठंड तो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया और इसीलिए मैं बनाया हूं एक बहुत ही शानदार रूम हीटर। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, इसको बनाने के लिए सबसे पहले यूज़ कर रहा हूं एक इस तरह का पाइप, और ये जो पाइप है ये 4 इंच का पाइप है। ओके, तो गाइज इसी पाइप को पहले मैं कलर कर दूंगा, तो चलिए इसको फटाफट कलर कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्लैक कलर कर देता हूँ। सो गाइस, कलर मैंने कर दिया है पाइप को और बहुत ही सुंदर लग रहा है। और अब गाइस पाइप को रखते हैं साइड में और अब आते हैं हीटिंग पार्ट में। तो गाइस यहाँ पे एक टीन का डब्बा लिया हूँ और इसका जो ऊपर का पेंट था वो मैं हटा दिया हूँ और दोनों साइड का जो ढक्कन था वो भी मैंने काट दिया हूँ। ओके, और अब गाइस हीटिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे आयरन का एक एलिमेंट, और गाइस ये 450 वाट का है और इसे मैं ऑफलाइन मार्केट से खरीदा हूँ 50 रुपीज में। ओके, और गाइस इसे मैं इस तरह से डब्बे के अंदर लगा दूंगा। इसके ऊपर बहुत सारे लेयर भी दिया हुआ है तो कोई भी शॉर्ट वगैरह नहीं होगा, तो इस तरह से मैं इसके अंदर लगा दूंगा। तो चलिए फटाफट लगा देते हैं। और गाइज इसको लगाने के लिए यहाँ पे एक लोहे का प्लेट लिया हूँ और इसका दोनों साइड थोड़ा सा मैं मोड़ दूंगा कुछ इसी तरह से। तो मैंने मोड़ दिया हूँ दोनों साइड और गाइज इसको एलिमेंट के साथ फिट कर दूंगा। तो यहाँ पे एक होल भी दिया हुआ है तो यहाँ पे मैं फिट कर दूंगा। और गाइज यहाँ पे कोई भी शॉर्ट वगैरह नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक नाइक्रोम का जो कनेक्शन है वो इस होल के साथ कोई भी टच नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रू लगा देता हूँ। तो स्क्रू लगाने के बाद दूसरे साइड में ये जो मैं लोहे का प्लेट लिया था वो यहाँ पे लगा दूंगा, और लगाने के बाद एक नट की मदद से इसको यहाँ से अच्छे से टाइट कर दूंगा। ओके, तो ज़्यादा टाइट मत करना, ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये टूट भी सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आराम आराम से करना है। तो गाइज यहाँ पे इसको फिट कर देंगे, तो इसीलिए यहाँ पे एक छोटा सा होल करना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पे एक छोटा सा होल मैंने कर दिया है, तो यहाँ पे एक स्क्रू की मदद से इसको यहाँ पे फिट कर देना है। तो चलिए इसको फटाफट फिट कर लेते हैं यहाँ पे। तो गाइस एलिमेंट को यहाँ पे फिट कर दिया है और बहुत अच्छे से फिट भी हो गया है यहाँ पे। और अब गाइस इसको पाइप के अंदर फिट कर देना है। उसके पहले यहाँ पे जो दोनों तार है इसके साथ दोनों तार को सोल्डरिंग करना पड़ेगा, ये इसका मेन लाइन है। ओके, तो यहाँ पे मोटे मोटे तार को यहाँ पे सोल्डरिंग करना पड़ेगा क्योंकि गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होने वाला है, तो इसलिए यहाँ पे मोटे मोटे तार को सोल्डरिंग करना पड़ेगा। तो गाइस सोल्डरिंग कर दिया है और अब गाइस यहाँ पे लिया हूँ एक 12 वोल्ट ड्राइवर। ओके, तो इसका इसी दोनों पॉइंट मेन लाइन है, एसी लाइन है। ओके, तो यहाँ पे ब्लैक बल्ब दोनों तार को यहाँ पे सोल्डरिंग कर देंगे। तो चलिए इसको फटाफट सोल्डरिंग कर देते हैं। तो सोल्डरिंग कर दिया गाइस, और आपको दिखा देता हूँ इसका कनेक्शन बहुत ही आसान है। और गाइस मेरे पास एक केबल पड़ा हुआ था पुराना, तो इसका जो दोनों तार है वो यहाँ पे एसी लाइन में सोल्डरिंग कर देंगे। तो ये जाएगा बोर्ड में, तो यहाँ से एसी इनपुट होगा। ओके, और अब गाइस इसी पाइप के अंदर टीन का जो डब्बा है वो अंदर डाल दूंगा कुछ इसी तरह से। ओके, और गाइस इसे पाइप के अंदर एकदम बीचों बीच फिट कर देना है। तो इसको कैसे फिट करना है वो भी मैं दिखा दूंगा। तो इसको फिट करने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे लकड़ी का टुकड़ा लिया हूँ और इसको एक एक करके चारों तरफ फिट कर दूंगा। तो मैं एक एक करके फिट कर देता हूँ। तो कुछ इसी तरह से आपको फिट करना है। तो यहाँ पे टीन का जो डब्बा है वो पाइप के साथ कोई भी टच नहीं हो रहा है। ओके गाइस, देख सकते हो। और अब गाइस यहाँ पे ड्राइवर का जो दोनों पॉइंट दिया हुआ है यहाँ से डीसी करंट आउटपुट होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं एक सीपू फैन फिट कर दूंगा। तो यहाँ पे एक सीपू फैन ले लिया हूँ और इसको थोड़ा सा काट के एकदम पाइप के हिसाब से कर दिया हूँ। और गाइस ये जो सीपू फैन है इसमें तीनों तार दिया हुआ है। ओके, तो ये जो ब्लू तार है इसको यहाँ से काट दूंगा, इसका ज़रूरत अभी नहीं है। ओके, तो इसको फटाफट काट देता हूँ। तो काट दिया है, और यहाँ पे रेड और ब्लैक जो दोनों तार है ये बहुत ही लंबा है, इसको भी थोड़ा सा काट के छोटा कर दूंगा। तो छोटा करके काट दिया हूँ, और इसका जो पॉजिटिव तार है इसको पॉजिटिव में लगा दूंगा और नेगेटिव को नेगेटिव में लगा दूंगा। ओके, तो लगा दिया दोनों तार को। और अब गाइस इसको एक बार चेक करके देखता हूँ ठीक से कम कर रहा है कि नहीं। तो जैक को प्लग में लगा देता हूँ। तो लगा दिया गाइस, और फैन घूमना भी स्टार्ट हो गया और साथ साथ हीटिंग एलिमेंट भी धीरे धीरे गर्म हो रहा है। तो गाइस इसको मैं खोल दिया हूँ, और अब गाइस इसको एक एक करके पाइप के अंदर फिट कर दूंगा। तो यहाँ पे फैन को मैं फिट कर दूंगा, यहाँ पे जो ड्राइवर है ड्राइवर को मैं बाहर ही फिट करूंगा क्योंकि गाइस पाइप के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म होने वाला है और इसी वजह से इसका कंपोनेंट पिघल भी सकता है, तो इसीलिए इसको बाहर फिट करना सही है। और ये जो ड्राइवर है इसका एक बॉक्स भी था, तो चलो गाइस इसको बॉक्स के अंदर फिट कर देते हैं। तो यहाँ पे गाइस इसको बॉक्स के अंदर फिट कर दिया, और इसको एक छोटे से स्क्रू के सहायता से इसको पाइप के बाहर ही फिट कर दिया है। ऊपर में देख सकते हो यहाँ पे फिट कर दिया है, और यहाँ पे गाइस जो लकड़ी में लगाया था उसको भी छोटे छोटे स्क्रू के सहायता से इसको अंदर फिट कर दिया है, देख सकते हो।
और अब गाइस यहाँ पे दोनों फैन गाड़ लिया हूँ और इसको चारों तरफ थोड़ा थोड़ा करके मोड़ दिया हूँ, देख सकते हो। और इसी दोनों फैन गाड़ को एक सामने से और एक पीछे से अच्छे से फिट कर दूंगा। एक को मैं सामने से लगा दिया और इसको यहाँ पे गाइस स्क्रू भी लगा सकते हो, ये तो बहुत टाइट हो गया, और पीछे में भी एक लगा दूंगा। और गाइस ये थोड़ा सा लूज हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे छोटा छोटा होल करके रखा हूँ, यहाँ पे स्क्रू के सहायता से इसको अच्छे से टाइट कर दूंगा। तो चलिए स्क्रू को टाइट कर देता हूँ, तो टाइट कर दिया, ये बहुत ही अच्छे से टाइट हो गया दोनों साइड। और गाइस इसके लिए एक स्टैंड भी बनाना पड़ेगा, तो स्टैंड बनाने के लिए यहाँ पे इस तरह का एक बोर्ड भी मैंने ले लिया हूँ और यहाँ पे एक पाइप को काट के कुछ इसी तरह का बना लिया हूँ। ओके, और यहाँ पे गाइस इसके ऊपर में यहाँ पे एक और यहाँ पे एक होल करके रखा है पहले से, और यहाँ पे भी एक होल कर दिया है बड़ा सा। और इसको सबसे पहले यहाँ पे फिट कर दूंगा, तो यहाँ पे एक स्क्रू ले लिया हूँ और स्क्रू को इधर से मैं लगा दूंगा और इसके ऊपर में इसको अच्छे से फिट कर दूंगा। तो इसको यहाँ पे फिट कर दिया है और अब पाइप को इसके ऊपर फिट कर देंगे। तो फिट करने के लिए पाइप में यहाँ पे एक होल किया है और यहाँ पे भी एक होल किया है, तो इसको यहाँ पे फिट कर देना है। तो गाइस इसको यहाँ पे फिट करने से पहले इसको फिर से एक बार कलर कर देना है, क्योंकि इसका जो कलर है वो बिगड़ गया है, तो यहाँ पे फटक से कलर कर देता हूँ। तो गाइस इसको देखो, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे कलर कर दिया हूँ और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और इसका जो गार्ड था वो मैं खोल लिया था, तो इसको यहाँ पे आराम से लगा देना है। और अब गाइस इसको स्टैंड के ऊपर लगा देना है, तो चलिए इसको फटक से लगा देता हूँ। तो गाइस इसको यहाँ पे फिट कर दिया और बहुत अच्छे से काम भी कर रहा है। और गाइस इसको अब चलाता हूँ और देखता हूँ ये कितना तक गर्म होता है, तो चलिए इसको फटाफट चलाते हैं। और गाइस ये थोड़ा सा हिल रहा है, तो कोई बात नहीं, ये गिरेगा नहीं। तो इसका जो प्लग है वो बोर्ड में लगा देता हूँ, तो ये चालू हो गया गाइस, और देखता हूँ ये कितना तक गर्म होता है। तो इसका जो एलिमेंट है वो धीरे धीरे रेड हो रहा है और थोड़ा थोड़ा गर्म गर्म हवा भी यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया, तो देखता हूँ कितना तक गर्म होता है। सो गाइस यहाँ से गर्म गर्म हवा तो आने लग गया है और ज़्यादा गर्म नहीं है। और गाइस यहाँ पे एक बार चेक करके दिखा देता हूँ, ये जो मैं रूम हीटर बनाया है ये पूरा सेफ है, इसमें से करंट नहीं लगने वाला है। ओके, तो मैं सब जगह में टच करके दिखा देता हूँ। और गाइस ये ज़्यादा गर्म तो नहीं दे पा रहा है, क्योंकि इसके पीछे में जो जीपू फैन लगा हुआ है वो बहुत तेज़ी से घूम रहा है और इसकी वजह से इसका अंदर जो एलिमेंट लगा है वो ज़्यादा गर्म तो नहीं हो पा रहा है, और इसकी वजह से ये ज़्यादा गर्म भी नहीं दे पा रहा है। तो इसी फैन का जो हवा है वो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, तो कम करने के लिए कोई भी जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट लगाते हैं जुगाड़। तो अब गाइस यहाँ पे एक जुगाड़ लगाया, तो क्या लगा आपको दिखाता हूँ। तो इसके पीछे में देख रहा है एक बोर्ड मैंने हाफ कटिंग करके लगा दिया हूँ, और इस बोर्ड में बहुत सारे होल भी मैंने कर दिया हूँ। और गाइस इस बोर्ड को लगाने से क्या होगा, इसका जो हवा है थोड़ा सा कम हो जाएगा, कम होने पे इसका अंदर हीटिंग भी ज़्यादा होगा और हवा जो है वो थोड़ा सा कम स्पीड में आएगा और बहुत गर्म होकर आएगा। तो गाइस मैं फिर से एक बार चलाकर दिखाता हूँ ये कितना तक गर्म होता है। तो पहले मैं एक बार चेक किया था, उसमें गाइस 45 के आसपास आया था और ज़्यादा नहीं बढ़ रहा था, और अब देखता हूँ ये कितना तक बढ़ता है बोर्ड को लगाने से बाद। तो मैं इसको चालू कर दिया है और इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, और अब गाइस इसका जो हवा का स्पीड है वो थोड़ा सा कम हो गया, और यहाँ पे गाइस एलिमेंट जो है वो रेड होना स्टार्ट हो गया। और अब गाइस यहाँ पे डिजिटल जो मीटर है उसमें से अब चेक करके दिखाऊंगा इसका टेम्परेचर कितना हद तक बढ़ता है। ओके, तो ये रेड हो गया है। और गाइस यहाँ पे हवा का जो स्पीड है वो आप देख पा रहे हो, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा हवा आ रहा है और गर्म हवा आ रहा है। ओके, और गाइस यहाँ पे देख रहा हूँ रूम का जो टेम्परेचर है वो 34.3 डिग्री सेल्सियस है, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसको पकड़ के रखूँगा, ज़्यादा तो नहीं है, ओनली 2 मिनट के लिए रखूँगा और देखूँगा टेम्परेचर कितना हद तक बढ़ता है। और गाइस यहाँ पे मैं टाइमर को सेट कर दिया है, ओनली 2 मिनट के लिए यहाँ पे रखूँगा और देखूँगा कितना तक बढ़ता है।
सो गाइस यहाँ पे देखो जस्ट 18 सेकंड्स में यहाँ पे 41 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। ओके तो बहुत तेज़ी से गर्म हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे देखो ओनली 2 मिनट्स हुआ है और यहाँ पे 56.8 डिग्री सेल्सियस हो गया है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और मेरे साथ जुड़ने के लिए यहाँ पे जो वीडियो है उस वीडियो को क्लिक कर सकते हो। आपके साथ वही मिलूंगा। ओके बाय बाय।